और सामी व्यूअर्स, मैं रोशन तारिक और यहाँ सऊदी अरब से रिलेटेड अपडेट्स आपको दूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब तेल प्रोड्यूस करने वाले मालिक में सर फहरिस्त है, उसकी तमाम तर मीशत जो है वो तेल पर जो है वो डिपेंड करती है। यहाँ पर जो बड़े ममालिक हैं तेल पैदा करने वाले, खाम तेल पैदा करने वाले, उनकी तंजीम ओपेक प्लस ने एक ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊँगी, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पर आपको वीडियोज़ मिलती रहें। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इस गैर मुल्की जो है वो खबर रसा इदारे के मुताबिक यानी ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने जो है वो खैर सगाली के तौर पर अप्रैल के दौरान भी तेल की जो है वो पैदावार में मज़ीद 10 लाख बैरल की कमी में जो कमी की थी उसको मज़ीद में तौसी करने का फ़ैसला किया है। यानी अब जो है 2021 अप्रैल 2021 में भी वो योमिया 1 मिलियन बैरल तेल कम निकालेगा। सऊदी हुकूमत ने एपेक्स प्लस के मेम्बरान को अपने इस फैसले से आगाह कर दिया है और उसने ये कहा है कि वो इन तमाम ममलिकत से तेल के जो मसाइल हैं उनके हल में इसका ये फैसला बड़ा जो है वो अच्छा साबित होगा। सऊदी हुकूमत ने इस हिकमत अमली से तेल के नख 5% बढ़े हैं, यानी सऊदी अरब तेल कम निकालेगा तो इसकी वजह से जो आलमी मंडी में तेल की कीमत है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि तेल की पैदावार कम हो जाएगी और उसकी मांग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये तेल की कीमतों में कम जो है वो रिकॉर्ड इजाफा होने का इम्कान है। कहा यह जा रहा है कि एक बैरल खाम तेल की कीमत में $3 का इजाफा होने की तवक्का की जा रही है, तो इसकी वजह से जो है वो तेल ओवरऑल दुनिया में महंगा हो जाएगा। ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।